हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृतिया किचन। आज मैं अपने किचन में मिक्स वेज पराठा बना रही हूँ, जो खाने में बहुत यम्मी है और बहुत हेल्दी भी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप लिया हुआ है फूलगोभी, इसे कद्दूकस कर लिया है। 1/2 कप यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया, इसे भी कद्दूकस कर लिया है। 1/2 कप यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, इसे भी कद्दूकस कर लिया है। 1/2 कप यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है, इसे मैंने बहुत बारीक काट लिया है। 2 घी है पराठा बनाने के लिए, यहाँ पे आप कोई और आयल, मस्टर्ड आयल या फिर बटर यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर है, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अजवाइन 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून। ये कुकिंग आयल, इसको मैं आटा गूंथने में यूज करूँगी। जिंजर 1 टेबल स्पून, जिसे फाइनली चॉप कर लिया है। 2 ग्रीन चिली है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। 8 से 10 गार्लिक क्लव है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। 1 फेस्ट ग्रीन कोरिएंडर है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम सारे वेजिटेबल्स को एक बाउल में डालेंगे। एक बाउल ले लिया है, उसमें एक एक करके हम सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। ये कॉलीफ्लावर हो गया, ये कैप्सिकम हो गया, ये कैबेज डाल देते हैं अब इसमें हम। लास्ट में हम इसमें ग्रेटेड किए हुए कैरेट डाल देंगे। कैरेट भी डाल लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट भी डाल लिया है। सॉल्ट हम इसलिए डाल देते हैं कि वेजिटेबल्स में सॉल्ट डालने से वेजिटेबल्स के जितने मॉइस्चराइज़र रहते हैं ये सब निकल जाते हैं, जो पराठा बनाने में अच्छा रहता है। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम पराठा के लिए डो रेडी करेंगे। डो में मैंने 2.5 कप लिया है डो को, आटा को। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे 1 टीस्पून। ऑयल डाल लेते हैं। जो मैंने अजवाइन लिया था उसी में से 1/4 स्पून लेके मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूँगी और आटे में डाल दूँगी। ये रब किया, ये डाल लिया। अब हम पानी के साथ एक अच्छा और सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। इसको ऐसे पानी के साथ धीरे धीरे बना लेंगे डो हम। देखिए डो बन गया है हमारा, अब बिल्कुल सॉफ्ट डो बना है। अब हम इसे भी ढक करके 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे, इससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका मॉइस्चराइज़र निकाल लेंगे। सारे पानी इसमें ढेर सारा हो गया है। अब इसको ऐसे हाथों से प्रेस करके निचोड़ लेंगे सारा। अब ऐसे करके हम सारा कर लेंगे ऐसे ही। देखिए सारा हो गया है, इधर पानी सारा निकल गया है और ये सिर्फ वेजिटेबल्स ड्राई हो गए हैं। अब हम इसमें एक एक करके सारे सामान डालेंगे। ये गरम मसाला हो गया, ये जीरा पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम सारे कटे हुए गार्लिक, चिली एंड जिंजर, कोरिएंडर डाल के मिक्स करेंगे। अब सब डाल लिया है हमने इसमें। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए हम मिक्सर को रेडी करेंगे। अब ये सब मिला लिया है,
अभी अच्छे से हो गया है, मिक्स हो गया है। अब हम चलेंगे पराठा बनाने के लिए। ये देखिए अच्छे से हो गया है। यहाँ पे मैंने डो ले लिया है, सूखा आटा भी ले लिया है और ये हो गया है। अब हम एक लोई लेंगे, एक लोई ले लेते हैं, इसको ऐसे कर दबा लेंगे और उसके बाद सूखे आटे में लपेट के हम इसे फैला लेंगे। इसको फैला लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे सारे वेजीज जो हमने इसमें सारा मसाला सब कुछ डाल के रेडी किया है। मैंने यहाँ फोर्क ले लिया है। अब इसे मसालों को अंदर दबाते हुए चारों कोनों को पिंच कर लेती हूँ, चार से पांच कोनों को। ये हो गया है। अब बीच में से स्टफ को दबाते हुए अब हम एक बॉल जैसा बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। फिर इसे राउंड कर लेंगे और सूखे आटे में इसको लगाकर पहले हाथों से थोड़ा सा रोल कर लेंगे, दबा लेंगे इसको और उसके बाद हम इसे बेलन से एक पराठे का शेप दे देंगे। बेलन से हल्के हाथों से बना के ये हो गया है। मेरा पहला तरीका ये हो गया है। अब दूसरे तरीके के लिए हम वैसे ही एक लोई लेंगे, लोई लेते हैं, इसको सूखा आटा में लगाते हैं, रोल करते हैं और एक रोटी जैसा बेल लेते हैं। हम इसे रोटी जैसा बेलेंगे। हो गया, इसमें स्टफ डालेंगे, इसमें 2 टीस्पून स्टफ हो गया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम गुजिया बनाते हैं वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब इसे के किनारों को हम एक फॉर्क की सहायता से प्रेस कर लेंगे, इससे दोनों बराबर से चिपक जाएंगे। ये हो गया दूसरे तरीके से मेरा पराठा, जिससे ये फटेंगे नहीं, अच्छे बनेंगे। और तीसरे तरीके बनाने के लिए हमें दो रोटी की तरह लोई लेके रोटी दो बेल लेना है। एक रोटी पे हम पहले स्टफ फैला देते हैं, ये रोटी लेके इस पर फैला रहे हैं हम स्टफ को। थोड़ा सा और ले लेते हैं, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, ये थोड़ा सा और लिया बस। अब हम दूसरी रोटी को उसके ऊपर से लगा देंगे और हल्के हाथों से इसके किनारों को प्रेस करेंगे, जिससे ये चिपक जाए। और एक हल्के हाथ से एक बार बेलन चला देंगे इस पे हम। ये हो गया मेरा पराठा। मैंने तीन तरीके से यहाँ पराठा बनाया है। अब इसको भी सर्विंग प्लेट में खाली कर लेंगे और सारे पराठे बना लेंगे। अब हमने गैस पे रख दिया है और उस पर गैस गर्म हो गया है, तावा सारे उस पर पराठे को डाल दिया है और ये पराठा थोड़ी देर होने देंगे। पराठा हो गया, अब इसको पलट लेंगे। इस पर हम घी लगा लेंगे, ब्रश की सहायता से हम घी लगा रहे हैं। एक साइड में घी लगा लिया, पलट के दूसरे साइड में भी हम घी लगा लेंगे। इधर भी घी लगाते हैं, इधर भी अब घी लग गया है। अब एक बड़े स्पून से हम प्रेस करेंगे इसको और पलट के दोनों साइड से हम इसे पका लेंगे। अब ये हो गया, इसे सर्विंग प्लेट में हम खाली कर लेंगे और दूसरा पराठा भी इस पर डाल देंगे। दूसरा पराठा जो मैंने दो रोटियों से बनाया था, इस पर लगा देते हैं घी, फिर पलट के इधर भी घी लगा देंगे दोनों साइड से। दूसरे तवे पर घी लगाते हैं और ये भी अच्छी तरह से हो गया। देखिए फूल रहा है, ये अच्छे से, कहीं से फटा नहीं है। अब इसको भी सर्विंग प्लेट में खाली कर लेते हैं हम। ऐसे सारे पराठे हम बना लेंगे अपना। अब यहाँ पे मेरा सर्विंग प्लेट में मैंने खाली कर लिया है। अब देखिए मैंने जो गुजिया बनाया था उसको मैंने बीच से कट कर दिया है। अब ये फिलिंग अच्छी तरह से देखिए दिख रहा है, बिल्कुल पक गया अच्छे से। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।